है वितरण माध्यम को प्रभावित करने वाले तत्व। वितरण के माध्यम में अर्थात निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु किस माध्यम से पहुंचे। इसके लिए निर्माता बहुत सारे माध्यम का यूज कर सकते हैं। वह फुटकर व्यापारी को बीच में ले सकते हैं, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी दोनों को बीच में ले सकता है। वो कौन से माध्यम का चुनाव करे, ये बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट है संभावित ग्राहकों की संख्या। यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसके कस्टमर बहुत अधिक है तो उसे बीच में थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई जैसे कि अनाज है, कपड़ा है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा अगर ग्राहकों की संख्या कम है जैसे औद्योगिक मशीनरी या कोई ऐसी मशीनरी, तो वो सीधा निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंच सकती है। उसका माध्यम मध्यस्थों की संख्या बहुत कम होगी उसमें। इसके बाद सेकंड है बाजार का भौगोलिक केंद्रीकरण। यदि उत्पादक अपने बाजार को बहुत अधिक विस्तृत मात्रा में फैलाना नहीं चाहता वो एरिया बहुत बड़ा हो, तो वह सीधा ही ऑर्डर लेकर उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो अपने बाजार को बहुत अधिक फैलाना चाहता है, बहुत अधिक क्षेत्रों में जैसे छत्तीसगढ़, MP, बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाना चाहता है, तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद है थर्ड, आदेशों का आकार। यदि उपभोक्ता जिन आदेशों को देता है, जिन ऑर्डर देता है, यदि उन आदेशों की संख्या बहुत कम है लेकिन आदेशों की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि वो ना बहुत जो उपभोक्ता है वो बहुत बड़ी मात्रा में किसी संख्या को ऑर्डर दे देता है, तो उसे मध्यस्थों की सहायता की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आदेशों का आकार जो है बहुत बड़ा है और आदेशों की मात्रा बहुत कम है, तो उसे मध्यस्थों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ है ग्राहकों की क्रय करने संबंधी आदतें। यदि ग्राहक इस प्रकृति के हैं, तो उधार वस्तु खरीदना चाहते हैं या विक्रय उपरांत सेवा चाहते हैं, तो निर्माता को मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि ग्राहक इस प्रकार के हैं कि वो सीधा ही नकद पेमेंट कर देते हैं, तो ई कॉमर्स के जरिए या किसी और माध्यम से अपनी दुकानें खोलकर निर्माता सीधा ही उपभोक्ता तक अपना माल पहुंचा सकता है। इसके बाद फिफ्थ है वस्तुओं की उपयोगिता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे नाशवान, जिसको बहुत देर तक हम संभाल कर नहीं रख सकते, जैसे कि फ्रूट की दुकान या सब्जियों की दुकान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर उनको ज्यादा मध्यस्थ होंगे तो वो वस्तु खराब हो जाएगी। इसीलिए निर्माता जो है सीधा ही उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वस्तु इस प्रकृति की है, वो लंबे समय तक उसे संभाल कर रख सकता है, जैसे कि कपड़ा है और बहुत सारी चीजें, जूता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो निर्माता जो है बीच में मध्यस्थ का सहारा ले सकता है। इसके बाद सिक्स्थ है क्रय की बारंबारता। यदि वस्तु इस प्रकृति की है कि उसे बार बार खरीदना पड़ रहा है, दैनिक उपयोग की वस्तु, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वस्तु बार बार खरीदते हैं, जैसे पेस्ट है या कोई भी नमक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, इसको जो उपभोक्ता है वो बार बार खरीदता है, तो उसे मध्यस्थ का, निर्माता को मध्यस्थ का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसको वस्तु बार बार नहीं खरीदता, जैसे मशीनरी है या कोई ऐसी चीजें है, औद्योगिक संस्थान में आने वाली कोई वस्तु है, तो निर्माता सीधा ही ऑर्डर लेकर उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकता है। इसके बाद है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति में अगर वस्तु जैसे कि वस्तु की प्रकृति अगर वस्तु नाशवान है तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वस्तु नाशवान नहीं है तो वो बीच में मध्यस्थ सीधा ही माल पहुंचा सकता है। इसके बाद एट है निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की संख्या। अगर कोई ऐसे जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा वस्तुओं की संख्या बनाती है, बहुत ज्यादा किस्म की वस्तुएं बनाती है, तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो सारी वस्तुओं को अपने आप बेच सके। अगर कोई ऐसा है कि वो केवल कुछ ही वस्तुओं तक सीमित है निर्माता, तो निर्माता सीधा ही उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचा सकता है। और नाइन्थ है स्वयं संस्था की ख्याति एवं आकार। अगर संस्था की ख्याति बहुत अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो सीधा ही उपभोक्ता से ऑर्डर लेकर माल पहुंचा सकती है। लेकिन अगर संस्था की ख्याति कम है तो उसे मध्यस्थों का सहारा लेना ही पड़ेगा, ताकि वो पर्सनल सेलिंग से या ग्राहकों को अपना माल दिखाकर एडवर्टाइजमेंट कर वस्तु को बेच सके, जबकि उसको एडवर्टाइजमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई ख्याति जिसकी ज्यादा हो। इसके बाद 10th है सरकारी नीतियां। अगर सरकार कुछ ऐसी नीति बना दे कि वो जो वस्तु है वो ज्यादा संग्रह नहीं करनी या वो स्टोरेज को खत्म कर दे, तो क्या है कि वस्तु सीधा ही सरकार से उपभोक्ता तक पहुंचेगी, तो नीचे बीच में मध्यस्थ नहीं आएंगे। लेकिन अगर सरकार मध्यस्थों की छूट दे देती है, माल के स्टोरेज की छूट दे देती है, तो बीच में मध्यस्थ का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार बहुत से घटक हैं जो वितरण के माध्यम को प्रभावित करते हैं कि हम कौन सा माध्यम चूज करें।